नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के दरभंगा में सर तन से जुदा करने का धमकी प्रोफेसर को मिला है। जी हाँ, आपको बता दें, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सह रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। धमकी आज शाम पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर दी गई है। पत्र लिखने वाले ने खुद को आलम परवेज बताया है। धमकी भरे पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का जिहादी सर तन से जुदा करेगा। ये अल्लाह का आदेश है और यह कभी भी कहीं भी हो सकती है। पूरे खत की मजबूर में प्रेम मोहन मिश्रा के अलावा उनके परिवार को भी सर कलम करने की बात लिखी गई है। ये सब इसलिए लिखा गया है कि पत्र लिखने वाले ने विभाग के ही एक कर्मी शशि शेखर झा को विभाग से हटाने की मांग करते हुए मुस्लिम महिला के साथ गाली गलौज के साथ साथ बात करने का आरोप लगाया है। इधर पीड़ित प्रोफेसर मोहन मिश्रा ने खुद बताया है कि कैसे उन्हें पत्र मिला और पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि पत्र लिखने वाले और शब्दों को देखने से यह पता चलता है कि मामला गंभीर है। ऐसे में उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। प्रेम मोहन मिश्रा एलएनएमयू विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं उनका, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां पर सर तन से जुदा करने की धमकी मिल गई है। अब यह मामला दरभंगा पहुंच चुका है। बहुत ही गंभीर मामला है। अब देखने की बात है कि दरभंगा पुलिस प्रशासन किस तरह से इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करती है और धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। तो बड़ी खबर और बहुत ही दहशत वाली खबर है प्रोफेसर के। आज ही लगभग 4 बजे के बाद मैं ऑफिस बैठा हुआ था तो पोस्ट से एक पत्र आया, मेरा चपरासी दिया हमको। तो वैसे तो लग रहा था कि सामान्य कोई चिट्ठी है, लेकिन मैंने खोला तो उसमें धमकी भरा हुआ था। और वो धमकी भी की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई मेरे पर ब्लेम नहीं है, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका सर अलग कर देंगे और पूरे परिवार का कर देंगे, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे घबराहट हुई। क्या जो खत लिखा है उसमें लाइन क्या है? उस लाइन को, उस लाइन में लिखा हुआ है कि आपको एक काम दिया जा रहा है और वो काम नहीं करेंगे तो जिहादी लोग आपका सर अलग कर देंगे, तन से जुदा कर देंगे। ये उसमें भी और भी कोट किया हुआ है कि ये अल्लाह का आदेश है। हाँ, कुछ ऐसा है कि अल्लाह का आदेश है आप ये करने का, अगर आप हमारा काम नहीं करते हैं तो। काम कहा गया हमारे यहाँ के एम्प्लाई हैं सर शेखर झा, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका यहाँ से जीडी कॉलेज बेगूसराय या 20 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करवा दीजिए। उन पर कुछ एलिगेशन लगा दिए। तब सवाल है कि ट्रांसफ़र करा दीजिए, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। कोई कंप्लेन था तो विश्वविद्यालय में करना चाहिए, मैं कौन हूँ उसमें। जो घटना लिखा हुआ है उस घटना को लेके क्या कुछ पता चला? हाँ, मैं बाद में विभाग में चर्चा किया तो मुझे पता चला कि जो उसमें चर्चा दो बातों की है, एक बार चोरी भी विभाग में हुआ था और एक बार बच्चों से जो उसमें नाम लिखा हुआ है विमल कुमार चौधरी के समय में, तो उस समय में डेंटल का सेंटर पड़ा था तो उस समय में बच्चों से किताब तब छिना गया था, ये जानकारी हमको मिली है। तो क्या लगता है इस खत के बाद जो है आपका और अपने परिवार का या फिर पुलिस को सूचना दी कि इस स्थिति में आप लोग? नहीं, हम लोग तो बहुत पैनिक इसलिए हैं कि कोई ऐसा रहता कि ये आरोप है ऐसा करेंगे तो ठीक था। बहुत भाषा बहुत ही खतरनाक है और हमसे ज़्यादा मेरे परिवार के लोग, मेरी 100 साल से ऊपर की बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है, तो सारे लोग पूरे जो सुने हैं सभी परेशान हैं। तो घबराहट तो मुझे भी है ही, और जबकि मुझे दिखता नहीं है मेरा कोई दोस्त। जो घटना की चर्चा है वो 25-30 साल पहले की है और मैं तो फिर 4 महीना पहले गया हूँ। शिकायत कहीं की है इसकी? मैंने अभी अपने कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को और थाना अध्यक्ष को दे दिया लिखकर, और 2 आवेदन लिखा हूँ जो मैं कल SP और IG को देने वाला हूँ, और एक व्हाट्सएप अभी मैंने SSP को भी किया है।